नमस्ते व्यूअर्स, आप सभी को खाना पीना विद सुमित के तरफ से दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। ए व्यूअर्स, तुम क्या री? तुम सब्सक्राइब क्यों नहीं करता है? वेरी बैड, तुम बस अच्छा खाना पीना बना के खाएगा ना? थोड़ा सब्सक्राइब, थोड़ा शेयर कर दिया करो। प्लीज सब्सक्राइब करो जल्दी टू खाना पीना विद सुमित ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। बेगम हमारी गाइस, परिवार के बिना त्योहार त्योहार जैसा ही नहीं लगता है। इससे अच्छा मौका आपको कभी नहीं मिलेगा अपने परिवार के साथ त्योहार मनाने के लिए। तो जल्दी से टिकट कीजिए एंड सरप्राइज योर फैमिलीज विद योर प्रेजेंस। दुर्गा पूजा के समय माँ दुर्गा स्वयं अपने बच्चों को लेकर अपने मायके यानी हमारे पास घूमने आती है। इतने बड़े त्योहार को सेलिब्रेट करने के लिए क्यों ना कुछ स्पेशल बनाया जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल बनाएंगे कुछ स्पेशल, आपका फेवरेट हमारा फेवरेट। पर क्या बनाएंगे, आप भी सोचिए, हम लोग भी सोचते हैं। हाँ, मेरे को याद आया, मेरा फेवरेट, तुम्हारा फेवरेट, आप सभी का फेवरेट बासंती पलाव बनाते हैं। हम दोनों का ट्विन टेलीपैथी हो गया। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम गोविंदभोग राइस ले लिया है, इसको मैंने वाटर में सोक कर लिया है, और है सॉल्ट, हल्दी पाउडर, शुगर, किशमिश, जिंजर पेस्ट, गरम मसाला यानी कार्डेमोम, सिनेमन एंड क्लोव, घी, काजू बादाम एंड तेज पत्ता। अभी राइस में हल्दी और नमक डालेंगे, साथ ही साथ जिंजर पेस्ट भी ऐड करेंगे। अभी इसमें एक स्पून घी डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कुकर थोड़ा गर्म हो जाने के बाद हम लोग इसमें घी ऐड कर देंगे। इसके बाद हम लोग इसमें तेज पत्ता डालेंगे, गरम मसाला, काजू बादाम और किशमिश डाल के हम लोग इसको 5 मिनट के लिए धीमे आंच पे फ्राई कर लेंगे। जैसे ही ये फ्राई हो जाए हम लोग इसमें राइस ऐड कर देंगे। और फिर से 2 से 3 मिनट के लिए धीमे आंच पे स्टर कर लेंगे। इसमें अभी हम लोग शुगर ऐड करेंगे। अभी इसमें हम लोग 400 ml पानी मिक्स करेंगे। याद रखिएगा, जितना राइस लेंगे उससे डबल पानी मिक्स करना पड़ेगा। अभी हम लोग कुकर में एक सीटी दे देंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, पुलाव एकदम खिला खिला सा बना है। आइए परोसते हैं।